हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। ठीक है, देख सकते हो पूरा जीवन परिचय आपको लिखना सिखाएंगे, कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है, कुछ भी इस जीवन परिचय पर रटना नहीं, सब कुछ आपको एकदम ट्रिक से बताएंगे कैसे इस जीवन परिचय को लिखा जाता है। थ्योरी तो ऐसे बहुत बड़ी लगती है जीवन परिचय की, लेकिन आपको पूरा ट्रिक से बताएंगे कैसे आप लिख सकते हो जीवन परिचय। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, और बात करें तो यार एग्ज़ाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका क्लास टेंथ हो या क्लास ट्वेल्थ हो। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत आसानी से आज इसे समझेंगे। तो वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, एकदम आसानी से इस जीवन परिचय को आपको समझेंगे, रटना नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो देखो आपको केवल देखना क्या होता है, बस इतना, ये जो आपको इस ब्रैकेट पर हमने लिखा है बस इतना देखना है, और आप पूरा इस हिंदी को, ये जो पूरी थ्योरी लिखी हुई है पूरा लिख लोगे। ठीक है, बस केवल आपको करना क्या, बस इतना देखना है। ठीक है, इतना अगर याद हो गया तो पूरा जीवन परिचय अपनी भाषा पे लिख सकते हो, अब कोई एग्जाम में नंबर भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो पूरा आपको बताएंगे। तो देखो देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1850 ईस्वी। भाई इतने पॉइंट आपको याद करने हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था, 1850 अर्थात 1850 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जीवन परिचय उसमें आपको सबसे पहले जन्म 1850 ईस्वी, मृत्यु 1885 ईस्वी, और ये जन्म स्थान इनका कहाँ था, कहाँ इनका जन्म हुआ था, काशी में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का क्या नाम था, गोपाल चंद्र गिरधर दास, भाषा इनकी है ब्रज भाषा, रचना है प्रेम प्रलाप प्रेम मलिका। ठीक है, तो जीवन परिचय लिखने की यही एक ट्रिक होती है, आपको जन्म मृत्यु जन्म स्थान पिता भाषा रचना बस इतना याद करना, और सब कुछ अपनी भाषा में लिख लेना है। ठीक है, तो इतना पता चला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी, तो बस नीचे से हमने यही लिखा है, देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में होता है, अपने आप से बनाना है। देखो सिंपल, केवल जन्म पता है हमें कौन सी तिथि है, आप लिख दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था, जन्म स्थान भी आपको बता दिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था, तो वही हमने लिखा, देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को, 9 सितंबर लिखो या डायरेक्ट 1850 ईस्वी लिख दो। ठीक है, 9 सितंबर लिखना कोई ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट 1850 ईस्वी भी लिख सकते हो। ठीक है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में 1850 ईस्वी को हुआ या 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था ये तो आपको यहाँ पे बता ही दिया, आप आगे लिख सकते हो इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था, तो हमने लिखा यहाँ पे इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके पिता का नाम था, और थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ दिया कि इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास बड़े अच्छे कवि थे, इनके पिता जो थे एक खुद कवि थे, जिसके कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी कवि बन गए। ठीक है, तो इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास बड़े अच्छे कवि थे और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, बस इतना पॉइंट जोड़ा। ठीक है, आपको नाम तो पता ही इनके पिता का गोपाल चंद्र गिरधर दास, तो बस इतना सा पॉइंट जोड़ देना कि इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास बड़े अच्छे कवि थे, उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। ठीक है, बस इतना एकदम सिंपल सा पॉइंट है। सबसे पहले क्या लिखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था, फिर लिखा इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास एक बहुत अच्छे कवि थे और इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, अपने भाषा में बनाना, रटना नहीं कि ये लिखा है रट लिया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा समझ लो इनके मतलब जीवन के बारे में, इनके जीवन में क्या क्या हुआ। तो देखो जब भारतेंदु जी 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का तथा 10 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया, मतलब जब ये भैया 5 वर्ष की आयु के थे तब इनकी माता जी का निधन हो गया था और 10 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का निधन हो गया। तो देखो ये अपनी भाषा में लिखा जाता है कि कैसे आपको लिखना है, ये नहीं कि हमने ये लाइन लिख दी तो आप भी ये लिख दोगे, तो आपको बस समझना है कि इनकी माता जी का 5 वर्ष की आयु में निधन हो गया था और 10 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का, फिर आगे कहा गया इनके पितामह, ठीक है, ये जो इनके पितामह थे इन्हें क्वींस कॉलेज में भर्ती कराया। ठीक है, इनके पितामह ने क्या किया, इनको क्वींस कॉलेज एक था उसमें इन्हें क्या किया, भर्ती कराया, अर्थात इनका एडमिशन करा दिया। ठीक है, कि पढ़ो, तो इनके पितामह ने क्या किया, जब इनकी माता पिता का निधन हो गया तो इनके जो पितामह थे इन्होंने क्या किया, क्वींस कॉलेज में इन्हें भर्ती करा दिया। फिर क्या हुआ, परंतु पारिवारिक उलझनों से इन्हें क्या हुआ, शिक्षा से विरक्त कर दिया। ठीक है, मतलब कि जो परिवार की उलझने थी, देखो अब इनके माता पिता का निधन हो गया तो इनके परिवार में भी उलझने आ जाएंगी। ठीक है, तो पारिवारिक उलझनों ने इन्हें क्या किया, शिक्षा से विरक्त कर दिया, या आप सीधी भाषा पे लिखना चाहो तो लिख लेना कि पारिवारिक उलझनों के कारण इनका क्या हुआ, इनको शिक्षा से विरक्त हो गया, या लिख सकते हो शिक्षा इनकी छूट गई। ठीक है,
आप सीधा सीधा अपनी भाषा में लिख लेना कि परंतु पारिवारिक उलझनों से इनकी पढ़ाई या शिक्षा छूट गई। ठीक है, अब क्या हुआ, परंतु स्कूल, देखो हमने लिखा ना, जब शिक्षा छूट गई तो क्या हुआ, परंतु स्कूल छूटने के पश्चात इन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा, पाँच, देखो सबसे पहले लिखना, जब भारतेंदु जी 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का तथा 10 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया। फिर लिखना इनके पितामह ने इन्हें क्वींस कॉलेज में भर्ती कराया। ठीक है, किस कॉलेज में, क्वींस कॉलेज में। लेकिन भैया अब इनके माता पिता का निधन हो गया था तो घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, तो परंतु पारिवारिक उलझनों के कारण इनकी शिक्षा भी छूट गई, विरक्त न लिखना, शिक्षा छूट गई। ठीक है, शिक्षा भी छूट गई, परंतु स्कूल छूटने के पश्चात इन्होंने अनेक विषयों, अनेक सब्जेक्ट, अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। घर पर ही रहकर क्या किया इन्होंने, अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि स्कूल गया था छूट, घर में दिक्कत आ गई तो स्कूल छूट गया। तो स्कूल छूटने के पश्चात भी इन्होंने क्या किया, अनेक विषयों का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। अब भारतेंदु जी अनेक भाषा में कविता करते थे। ठीक है, भारतेंदु जी जो थे अनेक भाषाओं में कविता करते थे। बहुत ही अल्प आयु में, मतलब बहुत ही कम आयु में, क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 34 वर्ष 4 माह की उम्र में 6 जनवरी 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। देख सकते हो 1885 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1885 मतलब वही 34 माह 4 दिन, बहुत कम आयु में इनका निधन हो गया। तो वही हमने लिख दिया, क्या लिखा कि देखो भारतेंदु जी अनेक भाषा में कविता करते थे। फिर हमने लिखा कि बहुत ही अल्पायु, अल्पायु का मतलब बहुत ही कम आयु में यह क्षय रोग, इनको क्षय रोग हो गया था, क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 34 वर्ष 4 माह की अवस्था में 6 जनवरी 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने आप से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, कि 34 वर्ष 4 माह की अवस्था में 6 जनवरी 1885 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। फिर अभी आपको कृतियाँ भी बताएंगे, साहित्यिक परिचय भी बताएंगे। पहले समझ लो भारतेंदु जी का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में 9 सितंबर 1885 ईस्वी को हुआ। फिर हमने लिखा इनके पिता गोपालचंद गिरधरदास बड़े अच्छे कवि थे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया था। ठीक है, बस इतना आपको याद करना है, इनके पिता गोपालचंद गिरधरदास बड़े अच्छे कवि थे और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। फिर लिखा जब भारतेंदु जी 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का तथा 10 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया। अब इनके पितामह जो थे, ठीक है, इनके जो पितामह थे उन्होंने क्या किया, इन्हें क्वींस कॉलेज में भर्ती कराया, परंतु पारिवारिक उलझनों ने इन्हें क्या किया, पारिवारिक उलझनों के कारण इनकी शिक्षा छूट गई या इन्हें शिक्षा से विरक्त कर दिया। आप सिंपल लिख लेना कि पारिवारिक उलझनों के कारण इनकी शिक्षा छूट गई। अब परंतु स्कूल छूटने के पश्चात इन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, घर पर ही रहकर इन्होंने अनेक सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त किया, हिंदी अंग्रेजी जो जो थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, भारतेंदु जी अनेक भाषा में कविता करते थे। ठीक है, बहुत ही अल्पायु में ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 34 वर्ष 4 माह की अवस्था में 6 जनवरी 1885 में इनका निधन हो गया। अब इनका देखते हैं साहित्यिक परिचय। ठीक है, क्योंकि साहित्यिक परिचय भी एग्जाम में पूछता है। तो देखो साहित्यिक परिचय, देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने भारतेंदु की उपाधि इन्हें दी थी। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि भारतेंदु जी को देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने क्या किया था, भारतेंदु की उपाधि। ये जो भारतेंदु चंद्र का नाम पड़ा, ये देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी, जिसके कारण इनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र पड़ा। फिर इन्होंने अनेक नाटक नाटिकाएं लिखी जिनका इन्होंने सफल अभिनय प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने अनेक नाटक और नाटिकाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें मतलब इन्होंने क्या किया, उनका अभिनय भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल साहित्यिक परिचय पर लिखना है। काव्य इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप आदि। ठीक है, ये इनके काव्य हैं, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप। नाटक देखो सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि। ठीक है, तो बस इतना सा आपको लिखना है, काव्य लिख दिया, नाटक लिख दिया और साहित्यिक परिचय लिख दिया, पूरे नंबर एग्जामिनर आपको देगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, साहित्यिक परिचय, काव्य और नाटक। ठीक है, इतना याद किया जाता है और बस ये थोड़ा मेन मेन पॉइंट और पूरा जीवन परिचय बना के लिख दो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपालचंद गिरधरदास एक अच्छे व्यापारी थे, एक अच्छे कवि थे। देख सकते हो गोपालचंद गिरधरदास क्या थे, बड़े अच्छे कवि थे, जिसके कारण क्या हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी कवि बने। फिर 5 वर्ष में इनके माता का, 10 वर्ष में इनके पिता का निधन हो गया। फिर इनके पितामह ने इन्हें क्वींस कॉलेज में भर्ती कराया। फिर क्या हुआ, पारिवारिक जो मतलब परिवार में दिक्कतें आ गई, उसके कारण इन्हें शिक्षा छोड़नी पड़ी। फिर घर पर ही रहकर इन्होंने पढ़ाई की।
श्री भारतेंदु जी अनेक भाषण कविता करते थे और अल्प आयु में इनकी क्षय रोग से पीड़ित होकर 1850 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो देख सकते हो भैया, ये है भारतेंदु जी का जीवन परिचय, एकदम आसानी से आपको बताया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरे नंबर आपको एग्जाम में देगा अगर आप इस टाइप से लिखते हो, ठीक है। तो आपको लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर, सारे जीवन परिचय बने हुए और भी कवि और लेखकों के, ठीक है। तो लिंक जरूर देख लेना डिस्क्रिप्शन पर।